और चलिए अब बात मेरठ से आई खबर की। दीपक त्यागी हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी परिजनों के गले नहीं उतर रही। परिवार वाले मेरठ परीक्षितगढ़ रोड पर शव को डीप फ्रीजर में रखकर धरना दे रहे हैं। मांग है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं धरना स्थल से अब बदले की आवाजें भी बुलंद होने लगी है, जिससे प्रशासन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। डीप फ्रीजर में दीपक का शव। सड़क पर लोगों का शोर शराबा। हत्याकांड को लेकर जारी है हल्ला। पुलिस की थ्योरी पर परिजनों को एतराज। इन तस्वीरों में गम है, गुस्सा है, आक्रोश है और पुलिस के खुलासे पर उठ रहे सवाल हैं। वरना हम भी अपनी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी करें। अपनी तैयारी के बारे में प्रशासन हमें अवगत करा, उसके बाद हम अपना मांग पत्र रखेंगे। मेरठ में बड़े बड़े जो है ना एमपी एमएलए मिनिस्टर और वे लोग हैं, कोई मतलब नहीं। अब तक इनके पिताजी के पास नहीं आए, जिले के आला अधिकारी नहीं आए। मेरठ के दीपक त्यागी हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपक त्यागी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के खुलासे पर दीपक त्यागी के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। दीपक त्यागी की हत्या को लेकर उसके परिजन और त्यागी समाज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए। मेरठ परीक्षितगढ़ मार्ग पर दीपक के शव को डीप फ्रीजर में रखकर परिवार वाले और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक के परिजनों की मांग है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, दीपक हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। हमारी ये मांग है जी, एक तो जो है सीबीआई से हमारी इसकी जांच होनी चाहिए, एक एनआईसी की जांच होनी चाहिए और फर्स्ट कोर्ट में जो इसका केस चलना चाहिए और जो भी दोषियों में पकड़े जाने चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। दीपक त्यागी हत्याकांड ने सियासी रंग भी ले लिया है। सपा नेता मुखिया गुर्जर भी धरना स्थल पर पहुँच गए और प्रशासनिक अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग के साथ ही धमकी भरे लहजे में बदले की भी बात कहते दिखाई दिए। हमने डिमांड करी है कि कमिश्नर साहब और आईजी साहब वो हमारे बीच में आए, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इतनी निर्मम हत्या के बाद ये प्रशासन उदासीन रवैया क्यों अपना रहा। इतनी लीपापोती अगर तुम्हारे बस की नहीं है हाकी वर्दी पहर के, तो हम अपने बच्चे का बदला लेना जानते हैं। आपको बता दें कि दीपक त्यागी हत्याकांड में पुलिस ने कल खुलासे का दावा किया था। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दोनों शातिर ही खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिन्होंने तालिबानी अंदाज में दीपक का कत्ल किया था। पूरी घटना आपको बताते हैं। दरअसल 27 सितंबर को परीक्षितगढ़ इलाके में सिरकटा शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू की। शव की शिनाख्त दीपक त्यागी के रूप में हुई। करीब 6 दिन तक पुलिस दीपक के सिर को तलाश करती रही। पुलिस को कामयाबी नहीं मिलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने सोमवार को मामले के खुलासे का दावा किया। दीपक त्यागी की हत्या के आरोपी फहमीद और आसिफ गिरफ्तार हुए। फहमीद की शादीशुदा बेटी से दीपक के प्रेम संबंधों की बात सामने आई। फहमीद ने दोनों को एक साथ देखने पर बेटी को फटकार लगाई थी, लेकिन दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहा। इसी बात से नाराज होकर फहमीद ने दीपक की हत्या की साजिश रची। शराब के नशे में दीपक की तलवार से गला काट कर हत्या कर दी और सिर को वारदात वाली जगह से कुछ दूर खेत में दफन कर दिया। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दीपक त्यागी हैं जिनकी हत्या हुई थी और उनका
जब इसका खुलासा हुआ केस का, तो यहाँ पे जो परिवार वाले हैं और बाकी जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे, उनके द्वारा ये कहना था कि हमारे हिसाब से ये सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और हमें इस पे भरोसा नहीं। तो उन लोगों की अपनी डिमांड्स थी, उन्होंने एक ज्ञापन आज मुझे और कप्तान साहब को दिया है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी ये डिमांड्स हैं और इन पे 8 तारीख तक विचार किया जाए। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन ले लिया है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पुलिस ने 7वें दिन इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन परिवार वालों को पुलिस की थ्योरी पर एतराज है। यही वजह है कि परिवार वाले दीपक त्यागी की हत्या की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर उसके शव को डीप फ्रीजर में रखकर मेरठ परीक्षितगढ़ रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कब तक इस विवाद का हल निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। परिजनों को समझाने में जुटा हुआ है, बार बार मीटिंग की जा रही है, लेकिन परिजन इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उच्च एजेंसियों से जांच का अनुमोदन इस पर पूरे मामले में नहीं किया जाता है, वो यहां से उठने वाले नहीं हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन को 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और 9 अक्टूबर को दीपक त्यागी की शोक सभा के बाद इस पूरे मामले पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।